Hi, welcome to this collab series of computer programming which is presented by ITCA and learning computer programming. अभी तक हमने कंप्यूटर प्रोग्राम देखा, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होती है, उसके बेसिक्स वगैरह देखे. तो आज उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करेंगे एल्गोरिदम की, विच इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द प्रोग्रामिंग. तो आज समझेंगे कि एल्गोरिदम क्या होते हैं, कैसे इसमें काम करते हैं और कैसे ये फर्स्ट स्टेप बनता है टूवर्ड्स अचीविंग द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड सॉल्यूशन. तो देखते हैं. तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की कि एल्गोरिदम एक्चुअल में होते क्या है. दिस इज़ बेसिक, फिर आगे इसको और डिफाइन करेंगे. तो सबसे पहले हम समझते हैं एल्गोरिदम इज़ बेसिकली एन आउटलाइन फॉर हाउ कंप्यूटर प्रोग्राम. एक सिंपल सिंपल मोटा मोटा इंग्लिश में या यूज़र लैंग्वेज में लाइन बाई लाइन लिख दिया जाता है कि ऐसे 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 काम होगा. दिस इज़ जस्ट टू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम कैसी है, उसका सोल्यूशन कैसा होगा, क्या होगा. तो उसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, इसको इस तरह से भी समझते हैं कि ये कैसा प्रोसीजर है, कि क्या एक्शन कंप्यूटर प्रोग्राम ने लेना है, ये कंप्यूटर क्या करना चाहता है, वो सब कुछ जो है वो इस एल्गोरिदम में हम डिफाइन करते हैं. तो आगे बढ़ते हैं. तो एल्गोरिदम प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले तो एल्गोरिदम का थोड़ा सा कैसे हिस्ट्री या क्या है कि किसने बनाया था इसको. तो ये एल्गोरिदम जो नाम आया है, ये एक पर्शियन मैथमेटिशियन थे, अबू जाफ़ार मोहम्मद इबन अई मूसा अल खुरजामी. तो इन्होंने जो है वो सबसे पहले एल्गोरिदम का कॉन्सेप्ट दिया था. और नाउ यू कैन से इट्स अ बेस टुडे फॉर एनी कंप्यूटर प्रोग्राम. इसमें हम ये भी समझते हैं जो कंप्यूटर प्रोग्राम है, क्योंकि एल्गोरिदम उसका बेस है, तो कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ ए वन टाइप ऑफ एल्गोरिदम. तो कह सकते हैं कि ऑल प्रोग्राम्स आर एल्गोरिदम्स, लेकिन साथ साथ ये भी है कि सारे एल्गोरिदम्स हैं जो वो प्रोग्राम्स नहीं होते, क्योंकि कुछ सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं कि क्या होगा क्या नहीं, और ज़रूरी नहीं कि वो प्रोग्राम में ही जो है वो कन्वर्ट हो जाए, या कुछ जो है हो सकता है उनमें कुछ चेंजेस करना पड़े या कुछ करना पड़े. तो बहुत कुछ जो है वो उसमें डिपेंड करता है. अब एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं. मान लीजिए आपने किसी को अपने घर बुलाया है, या आपने किसी को अब डायरेक्शन देनी है किसी घर जाने की, या कुछ है, तो आप कैसे बताएंगे कि आप लेफ़्ट मुड़िए, राइट मुड़िए, यहाँ से जाइए, वहाँ से जाइए, ये टर्न लीजिए, वो टर्न लीजिए, देन ये बिल्डिंग आएगी, इसके पास होगा या वो होगा. तो ये जो सारे स्टेप्स हैं ये क्या हैं, बेसिकली ये एल्गोरिदम है जो हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं. हाँ, सबसे बड़ी बात ये है कि एल्गोरिदम में कि सारे सीक्वेंस में होने चाहिए. ये नहीं कि आप उसको बताएंगे जी सबसे पहला स्टेप जो होगा वो जो बिल्डिंग है जी उसके साथ में, अब वो बिल्डिंग कहाँ से आएगी, किधर से आएगी, वहाँ कहीं से आप पहुँचेंगे तभी तो उसको बताएंगे कि कैसे ये बिल्डिंग आ गई, कुछ डायरेक्शंस देंगे तो आएगी. तो इस कुछ चीज़ों का हमको ध्यान रखना पड़ता है. अब जो पहला एग्जांपल था किसी को बताना, वो तो सिंपल सिंपल स्टेप था, उसका प्रोग्राम जो है वो हम जनरली नहीं बना पाएंगे. लेकिन अगर हमको मान लें साइन ऑफ 45 को कंप्यूट करना है, तो इसको हम प्रोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं. दिस इज़ जस्ट फॉर यू कैन से एक्सप्लेनेशन कि दो तरह के एग्जांपल्स हैं, एक को हम सिंपल स्टेप बाय स्टेप समझाने के लिए कर सकते हैं और दूसरे को हम कंप्यूट कर सकते हैं. तो इसी में आगे बढ़ते हैं. अब जो हम ये है कि अगर हम किसी को बताएं कि कुकिंग कैसे करनी है और उसको राइस कैसे बनाना है, तो स्टेप बाय स्टेप से होगा वो एल्गोरिदम होगा सारा का सारा. तो अब आते हैं सबसे बड़ी बात कि एल्गोरिदम यूज़ क्यों करते हैं, क्यों यूज़ किया जाता है एल्गोरिदम. एक तो मैंने बता दिया कि इट्स अ बेस, लेकिन उसके कुछ स्टेप्स भी हैं कि एल्गोरिदम सम ए फॉर्मल वे ऑफ डिस्क्राइबिंग हाउ टू कैरी आउट सर्टेन टास्क. एक मोटा मोटा आइडिया दे देता है कि इसको ऐसे 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 करेंगे तो हो जाएगा ओवरव्यू में. ऑल्दो जो भी दो स्टेप्स हैं, हो सकता है वो कनेक्टेड नहीं हो, या हो सकता है कि फर्स्ट स्टेप को आप थर्ड स्टेप बता दें, सेकंड स्टेप आप इग्नोर कर दें, तो भी काम चल जाएगा क्योंकि फर्स्ट स्टेप के बाद. लेकिन अगर सेकंड स्टेप इम्पॉर्टेंट है तो हो सकता है वो इंक्लूड हो.
तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन दिस कि दिस इज जस्ट अ फॉर्मल वे. नेक्स्ट, एल्गोरिदम हेल्प अस टू अंडरस्टैंड स्केलेबिलिटी. किस प्रोग्राम की क्या स्केलेबिलिटी है, कितना वो लार्ज जा सकता है, क्या है, वो हमको एल्गोरिदम से समझ आ जाएगा कि उसमें क्या प्रोसीजर होंगे, क्या फंक्शंस होंगे, क्या उसमें एरेज यूज होगा या कुछ होगा, वो आगे जाके हम देखेंगे. तो हम मोटा मोटा ये समझते हैं कि एल्गोरिदम हमको हेल्प करता है. नेक्स्ट, एल्गोरिथमिक मैथमेटिक्स प्रोवाइड्स ए लैंग्वेज फॉर टॉकिंग अबाउट प्रोग्राम बिहेवियर. यहाँ पे वो मैथमेटिक्स नहीं है जो हम मैथमेटिक्स करते हैं, दिस इज एल्गोरिथमिक मैथमेटिक्स. हो सकता है हम उसमें कंप्यूटेशन के लिए बताएं कि इसको इसमें ऐड कर दो, इसको ये कर दो, इसको वो कर दो, तो वो प्रोग्राम का बिहेवियर बता रहा है कि इस प्रोग्राम में कंप्यूटेशंस वगैरह भी जो होती है, या ये कि ये कैलकुलेशंस वगैरह भी जो है वो प्रोग्राम जो है वो कर सकता है. तो इस तरह की चीज़ें भी हम एल्गोरिदम में बताते हैं. लास्ट, एल्गोरिदम ऑफन ड्रॉज द लाइन बिटवीन व्हाट इज फिजिबल एंड व्हाट इज इम्पॉसिबल. कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमको एल्गोरिदम से पता चल जाती है कि ये नहीं हो सकता, और कुछ चीज़ों को हम अचीव कर सकते हैं. तो ये जो जब हम एल्गोरिदम बनाएंगे तो उसमें हम देखेंगे कि कैसे फिजिबल है, कैसे जो है वो इम्पॉसिबल है करना. तो ये तो है मोटे मोटे चार स्टेप की हम एल्गोरिदम यूज़ करते हैं. यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, एक नहीं बहुत सारी बातें बेसिकली. सबसे पहली बात तो ये कि इनपुट और आउटपुट जो है वो डिफाइन होनी चाहिए प्रॉपरली, कि कहाँ पे इनपुट डालना है, कहाँ पे आउटपुट जाना है. जैसे कि अभी पीछे एग्जांपल दिया था कि डायरेक्शंस बताने का, ये नहीं कि आप बिल्डिंग बता दें और बाकी शुरू के स्टेप्स सारे इग्नोर कर दें, तो वो नहीं चलेगा. आउटपुट आप पहले बता रहे हैं, इनपुट बाद में दे रहे हैं, तो इट्स नॉट फिजिबल बेसिकली. तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा. ई स्टेप इन एल्गोरिदम शुड बी क्लियर एंड एम्बिगस. जो स्टेप्स हैं वो क्लियर होने चाहिए कि उसको क्या करना है. ये नहीं है कि आप चार पांच स्टेप के बाद सीधा ही जंप कर जाएं और कुछ और ही बताने लग जाएं, तो बीच में जो लॉजिक होगा वो पता ही नहीं लगेगा. तो इट शुड बी प्रॉपरली डिफाइंड. हो सकता है एक आध स्टेप आप मिस करें या इग्नोर कर दें, कुछ कर दें, लेकिन फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन ज़रूर होना चाहिए, ताकि पता लग जाए कि अगर सेकेंड स्टेप मिस भी हुआ है तो भी जो प्रोग्राम बनेगा वो उसी गाइडलाइन पर बने और ठीक ठाक चले. नेक्स्ट इज एल्गोरिदम शुड बी मोस्ट इफेक्टिव अमंग मैनी डिफरेंट वेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. जो एक प्रोग्राम एक प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने के बड़े सारे तरीके होते हैं और बहुत सारे तरीके से उसको सॉल्व किया जा सकता है. तो एल्गोरिदम जो होना चाहिए वो बेस्ट होना चाहिए, जितने भी तरीके से हैं उनमें से बेस्ट होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए कि कैसे हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि एल्गोरिदम जो है उसके अंदर कंप्यूटर कोड की ज़रूरत नहीं है और ना ही हम लिखते हैं. इसको इस तरह से लिखा जाता है कि दूसरा जो यूज़र है वो इजीली समझ सके. हाँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसा लिख सकते हैं, मान लीजिए अगर दो वेरिएबल हैं वो ऐड हो रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं कि इन दोनों को, दो जो चीज़ें ली हैं इनको ऐड कर दो, समथिंग लाइक दैट. तो वो भी हम कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं जी. अब कितनी तरह के एल्गोरिदम होते हैं, यहाँ पे हम ब्रीफली सिर्फ इसको डिफ़ाइन करेंगे. किसी और वीडियो में हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि ये कैसे होते हैं. मैं अभी सिर्फ आपको टाइप्स बता देता हूँ. द फर्स्ट टाइप इज़ सिंपल रिकर्सिव. नेक्स्ट वन इज़ बैक ट्रैकिंग. थर्ड इज़ डिवाइड एंड कॉन्कर. देन डायनामिक प्रोग्रामिंग. देन ग्रीडी. ब्रांच एंड बाउंड. ब्रूट फोर्स. रेंडमाइज. तो ये कुछ तरह के हैं हमारे पास. इसको हम आगे डिटेल में फिर कभी देखेंगे. तो बात है हम प्रॉपर्टीज़ पे. एल्गोरिदम जो है वो कुछ सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ उसमें होती हैं. जैसे कि सबसे पहले तो ये है कि द रनिंग टाइम डिपेंड्स ऑन द इनपुट. जितनी देर से इनपुट डालेंगे उतना ही जो है वो होगा, या जितनी बार ज़्यादा इनपुट लेंगे उतना ही प्रोग्राम स्लो होगा, या समथिंग लाइक दैट. तो कई बार ज़रूरी होता है कि इनपुट लेना भी ज़रूरी होता है, और बहुत से ज़्यादा बार भी लेना ज़रूरी होता है. लेकिन अगर एक एल्गोरिदम में हम जितना कम इनपुट लेने की कोशिश करेंगे उतना ही वो फास्ट बनेगा. इसी तरह से जो आउटपुट है वो भी सेम वही प्रॉपर्टी है उसकी, कि आउटपुट वैसा ही होना चाहिए. ये नहीं है कि आप एक ही चीज़ को बार बार प्रिंट कर रहे हैं, तो वो भी जो है वो गलत हो जाएगा.
दैट स्टेप्स आर डिफाइंड एग्जैक्टली, एग्जैक्टली डिफाइन होना चाहिए। यहाँ पे एक बात बता दूँ मैं आपको कि एल्गोरिदम जो है वो जितना टू द पॉइंट होगा, जितना छोटा होगा उतना ही बढ़िया होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट्स है वो डेफिनेटली टू द पॉइंट्स होने चाहिए और एग्जैक्टली डिफाइन होने चाहिए। ई स्टेज मस्ट बी एबल टू परफॉर्म अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम। जैसे अभी हमने पीछे बताया था कि इफेक्टिवनेस में कि टू द पॉइंट बात होनी चाहिए और एक टाइम के अंदर ही हो जाना चाहिए। ये नहीं कि आपने कोई इंडेफिनेट लूप बना दिया, समथिंग बना दिया तो वो प्रोग्राम उसी में घूमता रहेगा और वो कभी बाहर ही नहीं आएगा, तो विच इज़ अ रॉन्ग थिंग। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आता है जी फाइनाइटनेस। ये भी वही पहले पॉइंट जैसा ही है कि इट शुड बी फाइनाइट, स्टेप्स जो हैं फाइनाइट होने चाहिए, कम स्टेप्स में ज़्यादा बात कहनी चाहिए और जितना ही छोटा प्रोग्राम होगा या सॉरी एल्गोरिदम होगा उतना ही वो बढ़िया होगा। और छोटा करने के चक्कर में ये नहीं कि आप कुछ भी आउटपुट दे दें या कुछ भी गलत जो है वो उसका रिजल्ट दे दें या कुछ हो, या जिस चीज़ के लिए वो प्रोग्राम है वो ना बताएं। तो प्रोग्राम छोटा भी होने एल्गोरिदम छोटा भी होना चाहिए और टू द पॉइंट भी होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ करेक्ट भी होना चाहिए। अब आते हैं लास्ट में जनरलिटी। द एल्गोरिदम शुड बी रेलेवेंट टू ऑल रिलेटेड कंसर्न। मतलब सारे, जैसे मैंने पीछे बताया था कि उसको एग्जैक्टली टू द पॉइंट होना चाहिए या जिस चीज़ के लिए बनाया गया वो उसको करेक्टनेस होनी चाहिए और वही चीज़ उसको दिखानी चाहिए। तो ये तो है सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज एंड उसके लिए क्या होते हैं, कैसे हम करते हैं। तो अब हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि एग्ज़ाम्पल हम कैसे लिखते हैं एल्गोरिदम का। तो जैसे मैंने बताया, इट्स स्टेप बाय स्टेप, ऐसा नहीं कि हम स्टेप्स को बीच में जो है वो इग्नोर कर दें और कुछ का कुछ हो जाए। तो एक सिंपल सिंपल हम इंग्लिश में जो है वो बनाते हैं एल्गोरिदम। स्टेप वन, मान लीजिए आपने अपने फ्रेंड को फ़ोन करना है तो इसका एल्गोरिदम ये होगा, सबसे पहले तो आप फ़ोन लिखेंगे और डायल टोन सुनेंगे। अगर मान लीजिए डायल टोन ही नहीं है तो आप फ़ोन ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर डायल टोन है तो आप आगे बढ़ेंगे और जो नंबर होगा वो उसमें प्रेस करेंगे, दबाएंगे। फिर अगर आपको बिजी टोन मिलती है दूसरी तरफ से तो आप फिर वेट करेंगे 5 मिनट और फिर से स्टेप टू में शुरू हो जाएंगे। स्टेप टू में क्या था कि आप फिर से नंबर दबाएंगे और आगे बढ़ेंगे। अब मान लीजिए आपको बिजी टोन नहीं मिली, आपका फ़ोन जो है वो कनेक्ट हो रहा है, आगे बढ़ेंगे, लेकिन हो सकता है कोई आंसर ना करे, बेल ही बजती जाए, तो आप मैसेज छोड़ेंगे और बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर कोई आंसरिंग मशीन ही नहीं है तो आंसर कहाँ देंगे आप, क्या मैसेज छोड़ेंगे। फिर आप थोड़ा सा हो सकता है वेट करेंगे और फिर से शुरू हो जाएंगे, फिर वही जंप प्रेस करेंगे, क्या कहते हैं, डिजिट प्रेस करेंगे एंड फिर से वही सीरीज शुरू हो जाएगी। लेकिन हो सकता है आप बात हो जाए, किसी ने फ़ोन को आंसर कर दिया तो आगे बढ़ेंगे, आप अपने फ्रेंड से बात करेंगे और लास्ट में फ़ोन को हैंग कर दे। तो ये तो बहुत सिंपल सिंपल सामने बताया कि एल्गोरिदम क्या होता है। इसको आप अपने तरीके से भी बना सकते हैं, दिस इज़ जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, आपको सिर्फ एक समझाने के लिए है कि कैसे होता है। आप अपने हिसाब से इस एल्गोरिदम को चेंज भी कर सकते हैं, हर एक का तरीका अपना अपना होता है, हर एक के समझ अपनी अपनी होती है, हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। कोई जो है वो किसी प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर लेता है, कोई देर से करता है, कोई किसी तरीके से करता है, कोई किसी तरह। तो आप चाहें तो अपने आप भी बना सकते हैं। तो एंड में ये हम देखते हैं कि इसके अंदर हमने क्या किया कि हमने फ्रेंड का नंबर दिया, लेकिन दिस इज़ जस्ट अ सिंपल एल्गोरिदम, इसमें आउटपुट कोई नहीं थी। तो आगे बढ़ते हैं हम, अब कुछ ऐसा देखते हैं जिसमें आउटपुट भी आए। तो क्या है वो, ऐड टू नंबर्स, जिसका कि आगे प्रोग्राम बन सकता है। पहले वाले जो हमने एल्गोरिदम देखा था उसका हमको प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं, वो तो सिंपल सिंपल जो है वो क्या है, सिर्फ इंफॉर्मेशन ये आपको बताने के लिए था कि एल्गोरिदम क्या होते हैं। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे प्रॉपरली। यहाँ पे मेरे पास हमने क्या लिखा है, यहाँ स्टार्ट से शुरू किया। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि कोई भी एल्गोरिदम शुरू होता है तो उसका फर्स्ट स्टेप जो होता है वो स्टार्ट ही होता है,
और लास्ट स्टेप जो है तो ऑलवेज स्टॉप ही होता है। तो इसी तरह से प्रोग्राम में भी होता है कि प्रोग्राम शुरू होता है, वो स्टार्ट होता है, फिर वो प्रोग्राम जो है एंड में स्टॉप होता है। वो आपके लॉजिक पे है कि आप उसको कैसे स्टॉप करेंगे या कैसे करेंगे। तो अभी तो हम बात कर रहे हैं दो नंबर्स को ऐड करने की, तो यहाँ पे हम वेरिएबल्स ले लेते हैं। आगे जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो हम उसमें सीखेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं। अभी सिर्फ नॉलेज के लिए कि एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम वैल्यू डालते हैं। तो मैंने तीन वेरिएबल्स ले लिए, और पहले दो वेरिएबल्स के अंदर हमने वैल्यू ले ली यूज़र से, नंबर वन नंबर टू, क्योंकि हमें दो नंबर को ऐड करना है। फिर हमने उन दोनों नंबर को ऐड किया वैल्यू लेने के बाद, और उसका जो रिज़ल्ट आया वो हमने तीसरा वेरिएबल जो हमने स्टेप टू में डिफाइन किया था सम, उसके अंदर डाल दिया। और फिर हमने आउटपुट जो है वो सम को कैलकुलेट करके दी, जो हमने पिछले स्टेप में सम में वैल्यू डाली थी उसकी हमने आउटपुट दी और उसको स्टॉप कर दी। तो ये छोटा सा एल्गोरिदम है दो नंबर को कैसे ऐड करना। तो इस केस में क्या है कि हमने जो वैल्यू है वो किस में डाली, हमने नम वन एंड नम टू में डाली, और आउटपुट सिर्फ हमने एक वेरिएबल का दिया, और वो क्या था, नम और नम टू को ऐड करके हमने सम में डाला था और उसका हमने आउटपुट दिया था। तो बस यही है सिंपल एल्गोरिदम। होप आपको ये क्लियर होगा। स्टिल आपके कोई क्वेश्चंस हो, कोई डाउट हो, तो नीचे दिए कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, हमारे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।